हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप वीडियो देख के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेम न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट वन के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स, 1911 में रदरफोर्ड ने अपने वर्ल्ड फेमस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसका नाम था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय गोल्ड फॉयल, उसके थ्रू उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करके दी और हमें ये बताया कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल टाइनी कोर विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में अबाउट 99% जो मास रहता है एटम का, वो न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड होता है, और सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज जो होता है एटम का, वो भी न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करता है। मींस न्यूक्लियस जो है वो एक कॉम्पैक्ट और हार्ड स्ट्रक्चर है। इतना कॉम्पैक्ट और हार्ड स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी जब न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन प्रोसेसेस को स्टडी किया गया, तो हमने ये देखा कि न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन प्रोसेसेस में अल्फा बीटा गामा रेज और यू कैन से पार्टिकल्स निकलते हैं, और ये पार्टिकल्स का एमिशन जो है वो न्यूक्लियर ओरिजिन का माना गया। तो स्टूडेंट, सारी दुनिया की जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी वो इस बात पर काम करने लग गई कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आखिरकार बना किससे है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट, उस टाइम बहुत सारी थ्योरीज आई, बहुत सारी हाइपोथेसिस आई, जिनमें से दो ही प्रोमिनेंट थी, और वो थी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जरूर देखिएगा। और दूसरी थी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस को डिस्कस करने से पहले हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, ताकि आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस को अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी एलिमेंट जो होता है जिसको हम सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ए जेड, ए है मास नंबर, जेड है एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस क्या कहता था कि इस एलिमेंट एक्स के अंदर ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एंड ए माइनस जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनका नंबर जेड के बराबर था, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर हैं। तो मींस ये हाइपोथेसिस जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस था, वो हमें ये कहता था कि कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर हैं, और ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ए माइनस जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर हैं और जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर हैं। ये मॉडल जो था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस का जो मॉडल था, वो एटम की न्यूट्रलिटी को कंफर्म कर रहा था। और कौन सा फैक्ट था जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा था, वो था बीटा पार्टिकल्स का एमिशन। रेडियोएक्टिव डिके के दौरान जो बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, और जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं, दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, बीटा डिके प्रोसेस में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं। तो ये माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर हैं, बट कई सारे रीजंस हैं जिसके कारण प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस फेल हुआ। एक तो थी एनर्जी कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अगर हम मान के चलें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो उसकी एनर्जी जो है वो बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी से बहुत ज्यादा आ रही थी, तो वहां पर भी ये अनफिट हो गया, और ये न्यूक्लियर स्पिन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये मैग्नेटिक मूवमेंट कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ये डुअल नेचर जो बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स का कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है, कोई भी पार्टिकल जो है वो डुअल नेचर कैसे शो कर सकता है एटम के अंदर, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो बहुत सारे रीजन थे, और पूरी डिटेल में मैंने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस वाले वीडियो में सब कुछ बताया था आपको, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो आज का मॉडल है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, ये हमें क्या कहता है, ये कहता है हमें, मान लीजिए एक एलिमेंट एक्स है जिसका मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है। ये मॉडल हमें क्या कहता है कि ए इज अ मास नंबर विच इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं इस एलिमेंट के अंदर, इस एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। अब हमें देखना है कि एक्स एलिमेंट के न्यूक्लियस के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा। हमें पता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो टोटल चार्ज आना चाहिए वो इतना आना चाहिए, प्लस जेड ई। तो देखते हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग आ रहा कि नहीं आ रहा।
ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, ए है मास नंबर जो कि है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द साइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स कितने होंगे इस मॉडल के अकॉर्डिंग, इस एटम के अंदर, इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एंड जेड और इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज निकल के आता है इस मॉडल के अकॉर्डिंग। टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस ये मॉडल हमें कहता है कि जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इनसाइड द न्यूक्लियस एंड ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं इस एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर। एज यू नो ईच प्रोटॉन कैरी चार्ज ऑफ प्लस ई, तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा प्रोटॉन्स के ऊपर जेड इंटू ई प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर ए माइनस जेड और हर एक न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है जीरो, तो मल्टीप्लाई जीरो कर देंगे तो कितना आ जाएगा प्लस जेड ई चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस आ गया प्लस जेड ई और इतना ही एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हुआ कि न्यूक्लियस के ऊपर प्लस जेड ही चार्ज होता है, तो इसको भी वो सेटिस्फाई कर रहा है ये मॉडल। और टोटल चार्ज एटम का कितना आना चाहिए, हमें पता है कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नेट चार्ज जो होता है एटम के ऊपर वो जीरो होता है, तो टोटल चार्ज ऑन एटम निकाल के देखते हैं कितना आता है। वो कैसे निकालेंगे हम, टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस प्लस प्लस क्या करें इसके अंदर, ये हमें कहता था कि ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर एंड जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर और जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं इन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और हर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है माइनस ई, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब ध्यान से देखिए टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना निकाला था हमने प्लस जेड ई, अब आउटसाइड द न्यूक्लियस कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस ई, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा जीरो, तो टोटल चार्ज ऑन एटम आ गया जीरो। तो मीन्स ये मॉडल जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी प्रूफ कर रहा है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और ये जो मॉडल था प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, इसने एक एक करके जो सारी कमियां थी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस की उन कमियों को दूर किया, उन सभी कमियों की एक्सप्लेनेशन दी, वो सारी कमियां इस मॉडल में देखने को नहीं मिल रही थी। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस क्या है, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख के आएंगे और उसके बाद आप कैसे लिखेंगे कि कैसे इसने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस की डिस्क्रिपेंसीज को दूर किया, आइए वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस था वो कब आया था, वो आया था जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद। उससे पहले जो हमारा ये माना जाता था कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस, मीन 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस को सही माना जाता था, बट उसके बाद जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस को ही वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड किया गया और आज तक इसको ट्रू माना जाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस जो है वो जेम्स चैडविक के न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद एग्जिस्टेंस में आया था। अब देखते हैं स्टूडेंट्स ये कहता क्या है। दिस थ्योरी फॉर द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस वाज प्रपोज्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक इन 1932। ये हाइपोथेसिस कब एग्जिस्टेंस में आया था, ये आया था 1932 में जब जेम्स चैडविक सर ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करके दी थी और उन्होंने हमें ये बताया था कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जबकि हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एलिमेंट एक्स ए जेड हैविंग मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड कंटेन्स जेड प्रोटॉन्स एंड ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। ये थ्योरी हमें क्या कहती थी कि अगर एक एलिमेंट एक्स है हमारे पास जिसका मास नंबर ए है एटॉमिक नंबर जेड है, तो इस एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एंड ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। मींस न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और क्या कहा था, इन एटम ऑफ दिस न्यूक्लियस देयर आर जेड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस so that net positive charge on nucleus is balanced by the negative charge of electrons। और ये मॉडल हमें कहता था कि जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर हैं और इतने ही इलेक्ट्रॉन्स जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं,
जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर है वो सेम रहेगा और दोनों जो है वो एटॉमिक नंबर जेड के बराबर होंगे। जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर एंड जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे। ऐसा क्यों होगा? ताकि जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स के द्वारा जो चार्ज आया है पॉजिटिव चार्ज प्लस जेड ई, वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो चार्ज आया है माइनस जेड ई, उसके बैलेंस हो जाए, प्लस जेड ई माइनस जेड ई इक्वल टू जीरो, सो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एन एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और एटम की न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी इस मॉडल के अंदर भी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन N14-7 atom having mass number A14, atomic number Z7, its nucleus has 7 protons and 14-7 equal to 7 neutrons and 7 electrons revolve around the nucleus. अगर हम कोई भी एलिमेंट ले, फॉर example नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, इसका मास नंबर 14 है, 7 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसमें 7 प्रोटॉन्स हैं इसके न्यूक्लियस के अंदर और 14-7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं इसके न्यूक्लियस के अंदर, और 7 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस नाइट्रोजन एटम के न्यूक्लियस से चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। This theory successfully explained the objections against the proton-electron hypothesis as described below. इस theory ने proton-electron hypothesis की के against जो objections आ रही थी उनको successfully explain किया। इसको अब discuss करेंगे हम one by one, कैसे उन objections को इसने satisfy किया next section के अंदर। देखिए स्टूडेंट, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस इसलिए फेल हुआ था क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस थी न्यूक्लियस के अंदर वो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजिशन दैट इज डेल्टा एक्स एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम दैट इज डेल्टा पी शुड बी इक्वल टू एच अपॉन 2π। इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जो इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस न्यूक्लियस के अंदर अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, जबकि न्यूट्रॉन की जो एग्जिस्टेंस है न्यूक्लियस के अंदर अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस इट सेटिस्फाइज द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आइए देखते हैं कैसे। द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन इन साइड द न्यूक्लियस सेटिस्फाइज द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस है न्यूक्लियस के अंदर वो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करती है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए स्टूडेंट, हम कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, तो मींस न्यूक्लियस के अंदर अगर न्यूट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन की मेजरमेंट में कितनी अनसर्टेनिटी आ सकती है? मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, दैट अनसर्टेनिटी विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड वी नो दैट रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस इज 10^-14 मीटर, देन डायमीटर विल बी 2 × 10^-14 मीटर, ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज 2 × 10^-14 मीटर, अगर न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। The uncertainty in measurement of position of neutron is given by delta x is equal to capital D is equal to 2 × 10^-14 meter. Uncertainty in measurement of position हम delta x से denote करते हैं और यहाँ पर जो है वो diameter of nucleus के बराबर होगी जो कि होता है 2 × 10^-14 meter के बराबर। According to Heisenberg uncertainty principle, क्या कहता है Heisenberg uncertainty principle कि हम position और momentum को simultaneously एक साथ accuracy के साथ measure नहीं कर सकते, और जो uncertainty in the position of measurement होती है और जो uncertainty in the measurement of momentum होता है उन दोनों का जो product होता है वो h upon 2π के बराबर होता है। तो यहाँ से हम डेल्टा पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन में चला जाएगा, तो डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन 2π डेल्टा एक्स। यहाँ पर एच की वैल्यू पुट करते हैं, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.634 × 10^-34, 2 × π की वैल्यू 3.14, डेल्टा एक्स की वैल्यू हम ऊपर लिख चुके हैं 2 × 10^-14 मीटर। इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 5.275 × 10^-21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दैट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। जो डेल्टा पी होगा वही पी के बराबर होगा, क्योंकि जो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन की वो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम से कंपेरेबल ही होगी, तो डेल्टा पी को हम पी के बराबर मान लेते हैं, तो पी की वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद एनर्जी निकाल लेते हैं न्यूट्रॉन के अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी विच इज इक्वल टू p²/2m₀, वेयर m₀ इज द रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन। पी की वैल्यू निकल चुकी है 5.275 × 10^-21 अपॉन 2 × रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.67 × 10^-27। एनर्जी जो निकलेगी वो जूल में निकलेगी। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 × 10^-19 से, तो सॉल्व करने के बाद लगभग इतना आएगा 978 × 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10^6 इज मेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 978 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो इतनी एनर्जी निकल के आ रही है न्यूट्रॉन की। अब इसकी रेस्ट मास एनर्जी निकाल के देखते हैं न्यूट्रॉन की, देखते हैं ये दोनों मैच होंगे कि नहीं होंगी। द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज एम नॉट सी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन एवरी पार्टिकल हैज रेस्ट मास एनर्जी विच इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। तो एम नॉट की वैल्यू रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 × 10⁻²⁷, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर करेंगे। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी को 1.6 × 10⁻⁹ से डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करके आएगा 939 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको सॉल्व करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ दिस 978 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर कंपेरेबल टू ईच अदर। ज्यादा मिस मैच नहीं है, एक दूसरे के कंपेरेबल आ रही है। जो एनर्जी हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को निकाल के यूज करके निकाली और जो रेस्ट मास एनर्जी आ रही न्यूट्रॉन की वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रही है, इसलिए जो न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस है वो कंफर्म होती है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन द न्यूक्लियस। अब हम देखेंगे सेकेंड डिस्क्रिपेंसी जो कि न्यूक्लियर स्पिन के रिगार्डिंग थी वो कैसे रिमूव करी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ने, और ये देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ने कैसे सेकेंड डिस्क्रिपेंसी जो हमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस में देखने को मिली उसको कैसे रिमूव किया। दिस हाइपोथेसिस सक्सेसफुली एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। तो डिफरेंट न्यूक्लियाई की जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड स्पिन्स आ रही थी और इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जब हमने स्पिन निकाल के देखी तो आपस में मैच हो रही थी, इसलिए इसलिए न्यूक्लियर स्पिन की जो प्रॉब्लम आ रही थी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस में उसको भी रिमूव किया। आइए देखते हैं एग्जांपल लेके। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ न्यूट्रॉन S2 1 हैविंग 1 प्रोटॉन एंड 2 − 1 न्यूट्रॉन। हम न्यूट्रॉन का एग्जाम्पल लेते हैं, इसके अंदर एक प्रोटोन है और 2 − 1 मतलब A − Z न्यूट्रॉन है, मतलब एक प्रोटोन है और एक न्यूट्रॉन है इसके अंदर। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं न्यूट्रॉन की न्यूक्लियर स्पिन की, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दोनों फर्मियोन्स की कैटेगरी में आते हैं और दोनों की जो है हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, या तो वो अप स्पिन होगी या डाउन स्पिन होगी, मीन्स या तो प्लस हाफ वैल्यू होगी स्पिन की या माइनस हाफ होगी। तो हमने यहाँ लिखिए प्रोटोन की स्पिन, न्यूट्रॉन की स्पिन, टोटल न्यूक्लियर स्पिन। मान लीजिए प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों की जो स्पिन है वो अप स्पिन है, मीन दोनों की जो स्पिन है वो प्लस हाफ है, तो प्लस हाफ कितना हो जाएगा एड करके +1। मान लीजिए प्रोटॉन की अप है और इसकी डाउन है, मीन इसकी +1/2 इसकी -1/2 है, तो स्पिन आ जाएगी 0, ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी -1/2 मान ली, अब हमने इसकी भी -1/2 मान ली, तो इसकी स्पिन आ जाएगी -1। बट जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व न्यूट्रॉन की स्पिन आती है वो +1 आती है, तो इन तीनों में से एक वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू से सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए इसने न्यूक्लियर स्पिन के जो प्रॉब्लम थी उसको भी सक्सेसफुली रिमूव कर दिया। अब हम इसके बाद देखेंगे थर्ड डिस्क्रिपेंसी जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ने रिमूव करी थी रिगार्डिंग प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, और वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। आइए स्टूडेंट देखते हैं कि इसने मैग्नेटिक मूवमेंट वाली प्रॉब्लम को कैसे दूर किया प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ने। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस इन केस ऑफ न्यूट्रॉन S2 1 न्यूट्रॉन में एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है, और जो हमने प्रोटॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के देखा म्यूपी इज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, वो आया 2.793 टाइम्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन μn। तो और जब हमने न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल कर देखा न्यूट्रॉन के केस में वो निकल के आया -1.913 टाइम्स न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। तो जो प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट और जो न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऑलमोस्ट न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन के कंपेरेबल आ रहा है, यहाँ पे ट्वाइस आ रहा है, यहाँ पे वन टाइम ऑलमोस्ट ट्वाइस आ रहा है न्यूट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट का, ऑलमोस्ट दोनों के बराबर आ रहा है अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर साइन ना देखें तो हम। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होना न्यूक्लियस के अंदर इससे भी कंफर्म होता है, क्योंकि इनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट के ऑलमोस्ट बराबर आ रहे हैं और इनके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। यहाँ पर प्रोटॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट जो प्लस साइन का आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, जो प्रोटॉन की स्पिन होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है, इसलिए यहाँ पर प्रोटॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट प्लस लिया गया है। न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट नेगेटिव लिया गया क्योंकि न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट और इसकी जो स्पिन की डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लिया गया है। एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन के अंदर, जब इन दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट का सम किया, प्रोटॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट का सम प्लस न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट का सम, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आएगा 0.88 टाइम्स न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। और जब हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया मैग्नेटिक मूवमेंट न्यूट्रॉन का, तो वो निकल के आया 0.86 टाइम्स न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन μn, तो दोनों जो है वो ऑलमोस्ट बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ से भी हमें कंफर्म होता है कि न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन्स हैं
वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस जो है वो गलत था। तो उसके बाद हम देखेंगे वो डिस्क्रिपेंसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी इन केस ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस की, बीटा एमिशन के दौरान न्यूक्लियस में से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, उस प्रॉब्लम को प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ने हमें कैसे समझाया, उसे कैसे दूर किया, अब हम देखेंगे वो लास्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट देखते हैं कि लास्ट डिस्क्रिपेंसी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ने कैसे दूर की। देखिए स्टूडेंट, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला फैक्ट ये था कि बीटा डीके के दौरान रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है नहीं तो वो बीटा डीके के अंदर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे एमिट कर पा रहे हैं न्यूक्लियाई। तो इसका आंसर भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस हमें देता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं न्यूक्लियस में से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बीटा डीके, वो पहले से प्रेजेंट नहीं होते न्यूक्लियस के अंदर। वो कब बनते हैं, कब इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जब न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। और ऐसा क्यों होता है कि न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट होना पड़ता है? देखिए न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल इंस्टेबिलिटी रहती है, उसी इंस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होते रहते हैं और प्रोटॉन्स जो है वो न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। मीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इंटर कन्वर्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस। और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलता है न्यूक्लियस में से इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल। और इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं निकलता बीटा डीके प्रोसेस में, साथ में एक एक्स्ट्रा पार्टिकल भी निकलता है जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बीटा डीके प्रोसेस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस हमें इस प्रकार समझाता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब में कन्वर्ट होता है और तब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल। तो स्टूडेंट देखते हैं लास्ट पार्ट में आप क्या लिख के आएंगे। The electron which is emitted in beta decay are not already present in the nucleus. जो इलेक्ट्रॉन बीटा डीके में निकलते हैं वो पहले से ही न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता ही नहीं, उसके अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बट इज जस्ट प्रोड्यूस ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इन टू प्रोटोन। बट इलेक्ट्रॉन कब प्रोड्यूस होता है? जब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रॉन प्रोटोन में कन्वर्ट होता है। क्यों कन्वर्ट होता है? ड्यू टू इंटरनल इंस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। न्यूक्लियस जो है वो इंटरनल इंस्टेबिलिटी कारण न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट होना पड़ता है। और किस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये सब कुछ होता है ये देखते हैं। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और साथ में एक पार्टिकल निकलता है एंटी न्यूट्रिनो, और इसी इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है बीटा पार्टिकल, जो कि आपको बीटा डीके प्रोसेस में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।